नाउ स्टूडेंट्स मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस को समझने के लिए यानी जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज़ है लेट मी गिव यू सम स्टैट्स अभी जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है ये आपको ग्राफ बता रहा है कि द नंबर ऑफ मोबाइल यूजर्स फ्रॉम 2013 थाउजेंड थर्टीन टू टू थाउजेंड में नंबर ऑफ मोबाइल यूजर्स फोर बिलियन यानी चार अरब मोबाइल यूजर्स हैं दो में ये नंबर चार अशारिया दो तीन अरब है 2015 में ये नंबर चार अशारिया चार तीन अरब है 2016 में ये नंबर चार अशारिया छः एक अरब है 2017 में ये नंबर 4.77 बिलियन है 2018 में दिस नंबर इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 4.93 बिलियन यानी अरब और 2019 में ये नंबर पाँच बिलियन क्रॉस करने की प्रिडिक्शन है अब इसी चीज को समझने के लिए एक और स्टैट को देखते हैं 2014 से लेकर 2017 के एंड तक तकरीबन दो अरब लोग हैं जो मोबाइल फोन या टैबलेट के जरिए उन्होंने कोई चीज परचेज की है यानी 2014 में एक आशारिया छह अरब लोग थे जिन्होंने मोबाइल फोन या टैबलेट के जरिए कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की थी और ये नंबर तकरीबन दो अरब को क्रॉस कर गया है दो हजार अठारह में लेकिन आप ये देखें ये नंबर अशारिया यानी पचास करोड़ लोग इंक्लूड हुए हैं वेरी ह्यूज नंबर टू सबसे दिस सिंग लेट मी शो यू एन अदर फिगर ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर है दो हजार चौदह में जो मोबाइल के थ्रू लोगों ने यूएस में ई कॉमर्स सेल की थी दैट वॉज नाइनटीन परसेंट ऑफ ओवरऑल सेल यानी आप यूं समझे कि अगर यूएसए में 2014 में 100 ट्रांजेक्शन हुई थी या 100 चीजें बिकी थी उसमें से 19 चीजें मोबाइल के थ्रू परचेज हुई थी इंटरेस्टिंग फिगर इज के 2018 में एज वी स्पीक ये प्रडिक्शन है कि दिस नंबर विल ग्रो बियॉन्ड 27 परसेंट यानी इस साल के आखिर तक ये प्रडिक्शन है कि 100 में से सत्ताईस लोग मोबाइल के जरिए कोई चीज सेल परचेज करेंगे जिसको हम लोग मोबाइल कॉमर्स या ये मैं स्पेसिफिकली अभी यूएस रिटेल की यानी यूएसए की बात कर रहा हूं नॉट ओवरऑल क्या मतलब है इसका इसका मतलब ये है कि द फ्यूचर लाइज विद मोबाइल मतलब व्हाट डज इट ट्रांसलेट टू इट ट्रांसलेट टू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग के जो यूजर्स की ग्रोथ है यानी जो यूजर्स सेल परचेज कर रहे हैं ऑनलाइन सेल परचेज कर रहे हैं वहां पे मोबाइल पे फोकस ज्यादा है कंप्यूटर लैपटॉप तो है ही लेकिन अब मोबाइल के जरिए सेल परचेज ज्यादा है या मोबाइल हो गया टैबलेट हो गया यानी मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर आई मीन उनके थ्रू आप सेल परचेज कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिवनेस ये होती है कि अगर आपकी वेबसाइट ब्राउजर पे सही ओपन हो रही है यानी उसका व्यू सही आ रहा है तो उसका व्यू ब्रेक नहीं होना चाहिए जब हम इसको मल्टीपल डिवाइसेस पे ओपन करें मल्टीपल डिवाइसेस क्या हो सकती हैं मोबाइल फोन उसके भी डिफरेंट वर्जन हैं सैमसंग का है एप्पल का है उसके भी फिर आगे फर्दर वर्जन है सैमसंग गलेक्सी है आईफोन सेवन है सिक्स है तो इसी तरीके से आपके टैबलेट्स हैं तो मल्टीपल डिवाइसेस पे अगर आपकी वेबसाइट सही तरीके से ओपन हो रही है यानी इमेजेस टूट नहीं रहे टेक्स्ट उसका ब्रेक नहीं हो रहा एक स्क्रीन के ऊपर सही तरीके से चीज नजर आ रही है तो इसका मतलब है आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव है मतलब कि आपकी जो वेबसाइट है वो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को एडजस्ट कर लेती है दूसरा कॉम्पोनेंट आपकी ई e कॉमर्स स्टोर का ये है कि जो मोबाइल या जो वेबसाइट शुड बी मोबाइल फ्रेंडली रिस्पॉन्सिवनेस उसके अंदर बिल्ट इन होनी चाहिए सो लेट मी शो यू कपल ऑफ वेबसाइट्स ऑफ गुड मोबाइल डिजाइन यानी रिस्पॉन्सिव एंड नॉन रिस्पॉन्सिव सो नाउ स्टूडेंट्स अगर आपने कोई भी वेबसाइट देखनी है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव है या नहीं तो पहली चीज से कि आप उसको चेक करें कि क्या ब्राउजर में वो सही ओपन हो रही है कि नहीं हो रही लेट सपोज अमेजोन को ओपन कर लेते हैं अमेजोन डॉट कॉम मैंने लिखी तो यहाँ पे मुझे वेबसाइट सही तरीके से नजर आ रही है इमेज ब्रेक नहीं हो रहे आई कैन सी आई कैन व्यू द कम्प्लीट वेबसाइट यहाँ पर मुझे स्पेस नजर आ रही है डिजाइन सही है इसका ब्रेक नहीं है अब यही व्यू मुझे वेरीफाई करना है ऑन मोबाइल डिवाइस अब यहाँ पर चैलेंज ये है जो कि अमूमन सॉफ्टवेयर हाउस में या आई टी कंपनी में क्यू आ डिपार्टमेंट को फेस करना पड़ता है कि डिवाइसिस मल्टीपल है यानी सैमसंग के भी मल्टीपल वर्जन है आईफोन के भी मल्टीपल वर्जन है टैबलेट के भी मल्टीपल uh, वर्जन है तो इसका हल ब्राउजर के अंदर बिल्ट इन क्रोम के अंदर मौजूद है कि आप अपनी इसी वेबसाइट को जो हमने अभी डेस्कटॉप पे ओपन की थी मोबाइल में ओपन कर सकते हैं डेस्कटॉप में रहते हुए वो कैसे करेंगे लेट्स सी आप वेबसाइट पे ही रहें और यहां पे क्लिक करें राइट right क्लिक करें आई एम डूइंग राइट क्लिक राइट क्लिक करें तो यहां पे आपको नजर आ रहा होगा इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यू विल सी सम विंडो लाइक दिस मैंने क्योंकि ऑलरेडी मोबाइल पे सेटअप किया हुआ था तो इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी ब्राउजर में इसी बटन पे दोबारा क्लिक करें तो अब आप ये देखें रिस्पॉन्सिवनेस इस रेजोल्यूशन पे आपको नजर आ रही है अब अब ये देखें ये जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था ये आपके पास अब मल्टीपल मोबाइल डिवाइसेस मौजूद है सबसे पहले गलेक्सी एस फाइव आ रहा है पिक्सल टू आ रहा है पिक्सल टू एक्सएल आ रहा है आईफोन के डिफरेंट वर्जन आ रहे हैं आईपैड भी आ रहा है अब आप इसी वेबसाइट को लेट सपोज गलेक्सी में ओपन करते हैं दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक यानी अमेजोन की जो तो वेबसाइट है अभी तक देखें डिजाइन इसका ब्रेक नहीं हो रहा आप यहां पर इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं या यहां पर आप इसका लेट सपोज मैं इसको आईफोन एक्स आई फोन एट प्लस में देखता हूँ दिस इज़ हाउ टू लुक लाइक यानी आप मल्टीपल अब ये बिल्कुल ब्रेक नहीं हो रही यानी मुझे इमेजेस सही नज़र आ रहे हैं टेक्स्ट सही लिखा हुआ नज़र आ रहा है आई कैन यू नो आई कैन स्क्रॉल इट ब्रेक नहीं हो रहा कुछ शॉपिंग कार्ट भी नज़र आ रहा है और अगर मैं इसको लेटर सपोज आई पैड पर देखता हूँ दिस इज़ हाउ इट टू लुक लाइक सो दिस इज़ हाउ वी कैन वेरीफाई कि मेरी जो वेबसाइट है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव है कि नहीं अगर यहां पर डिजाइन ब्रेक नहीं हो रहा इसका मतलब ये है कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव है नाउ लेट मी ओपन एन अदर वेबसाइट एंड लेट मी शो यू कि वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव है कि नहीं नाउ लुक हेयर अब ये आपको क्लियरली बता रहा है अब ये देखें ये जो इसका इमेज है अब ये इमेज आपको पूरा नजर ही नहीं आ रहा इट इज ब्रोकन अब ये देखें इसका मतलब यहाँ पे आगे कोई चीज ये देखें अभी चीज़ ब्रोकन है आपको ना हेडिंग पूरी नजर आ रही है ये इमेजेस भी आपको यहाँ पे पूरे नजर नहीं आ रहे एंड इफ आई विल चेंज दिस टू लेट सपोज दिसवन अब ये देखें इसका व्यू देखें कितना डिस है एडमिशन का वर्ड आ रहा है आगे बिल्कुल ब्रोकन है सो so, अब मैं इसी को ओपन करता हूँ लेट सपोज गलेक्सी एस फाइव में नाउ लुक एट दिस लेट मी ओपन हेयर न्यूज पोर्टल फॉर एग्जाम्पल ट्राइब्यून अगेन दिस इज रिस्पॉन्सिव आपको कोई चीज ब्रोकर नजर नहीं आ रही आपको जो चीज भी लिखी हुई नजर आ रही यू आर एबल टू रीड इट मेन्यू आपको पे, साइड पर पे नजर आ रहे हैं और इसको मैं अगर मल्टीपल वर्जन में ओपन करूं लेट्स दिस यानी ये सही तरीके से आ रही है कोई इमेज टूट नहीं रहा टेक्स कटा हुआ नजर नहीं आ रहा और साइड्स पे मेरे पास यहां पर थोड़ा सा गैप नजर आ रहा है अगर मैं इसी का कोई और वर्जन लूँ फॉर एग्जाम्पल पिक्सल टू एक्सेल लूँ इट व लुक लाइक दिस सो दीज आर ऑल डायमेंशंस जिसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि जो आपकी वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं ऑनलाइन स्टोर के लिए रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को होना एक बहुत की फैक्टर है टू बी अ सक्सेसफुल ऑनलाइन स्टोर